नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे मेटावर्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों, मेटावर्स वो टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप भूल जाएंगे कि वास्तविक दुनिया और वर्चुअल दुनिया का फ़र्क आप भूल जाएंगे। जैसा कि दोस्तों, हाल के दिनों में मेटावर्स पर काफ़ी चर्चा हुई है। अमेरिका की दो दिग्गज कंपनियां फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट ने इस पर अपना दावा किया है, और असल में यह टेक्नोलॉजी विभिन्न आयामों का संगम है जिसमें वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और वीडियो शामिल है। इसमें इंसान एक आभासी दुनिया में रहता है। मेटावर्स मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का कहना है, इस तकनीक को मेन स्ट्रीम में आने के लिए 5 से 10 साल लग सकते हैं। आइए जानते हैं मेटावर्स टेक्नोलॉजी आखिर क्या है और इसके लिए हमारे क्या मायने हैं। हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? मेटावर्स क्या है? मानव ने अपनी इंद्रियों को सक्रिय करने वाली अनेक टेक्नोलॉजी विकसित की है, जैसा कि ऑटो स्पीकर से लेकर टेलीविज़न, वीडियो गेम और वर्चुअल रियलिटी तक। भविष्य में हम छूने और गंध जैसी अन्य इंद्रियों को सक्रिय करने वाले उपकरण भी विकसित कर सकते हैं। इन टेक्नोलॉजी के लिए कई शब्द दिए गए हैं, लेकिन एक भी ऐसा लोकप्रिय शब्द नहीं है जो फिजिकल दुनिया और वर्चुअल दुनिया के मेल को बखूबी बयां कर सकता हो। इसे ही हम मेटावर्स नाम दिया गया है। क्यों पड़ी मेटावर्स की ज़रूरत? जैसा कि असल में यह टेक्नोलॉजी के विभिन्न आयामों का संगम है जिसमें वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और वीडियो शामिल है। इंटरनेट और साइबर स्पेस जैसे शब्द ऐसे स्थान के लिए हैं जिनमें हम स्क्रीन के जरिए देखते हैं, लेकिन ये शब्द इंटरनेट की वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी की पूरी तरह व्याख्या नहीं कर पाते। इसलिए इनके लिए मेटावर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों, कहाँ से आया मेटावर्स का शब्द? मेटावर्स का शब्द सबसे पहले साइंस फिक्शन लेखक नील स्टीफेंस ने 1992 में अपने उपन्यास स्नो क्रैश में किया था। इसी तरह अनेक शब्द उपन्यासों से इजाद हुए हैं। मसलन 1982 में विलियम गिब्सन की एक किताब से साइबर स्पेस शब्द आया, और रोबोट शब्द 1920 में कैरेल कापेक के एक नाटक से उत्पन्न हुआ। इसी श्रेणी में मेटावर्स आता है। मेटावर्स से क्या फ़ायदा मिलेगा? जैसा कि फेसबुक और अन्य बड़ी कंपनियों के लिए मेटावर्स की परिकल्पना उत्साहजनक है, क्योंकि इससे नए बाजारों, नए प्रकार के सोशल नेटवर्क, नए उपभोक्ताओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और नए पेटेंट के लिए अवसर पैदा होते हैं। दक्षिण कोरिया में मेटावर्स अलायंस राष्ट्रीय वीआर प्लेटफॉर्म विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है, और इसका एक बड़ा हिस्सा स्मार्टफोन, 5G नेटवर्क, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल करेंसी और सोशल नेटवर्क का मिल कर समाज की समस्याओं का समाधान निकालने और लाभ निकालने के तरीके खोजना है। जैसा कि दोस्तों, कैसी होगी मेटावर्स की दुनिया? जैसा कि मेटावर्स की दुनिया में हम वो सब कुछ कर सकेंगे जो वास्तविक दुनिया में कर सकते हैं,
और हम वास्तविक दुनिया की तरह ही ऑगमेंटेड रियलिटी में एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। यहाँ हम अपने रहने के लिए वर्चुअल घर और ज़मीन खरीद सकते हैं। यहाँ हम रहने के लिए ज़मीन खरीद सकेंगे, घर और ज़मीन खरीद सकेंगे। मेटावर्स पर हम अपने दोस्तों के साथ डिस्को में एंजॉय कर सकेंगे, उनके साथ खेल का लुत्फ़ उठा सकेंगे, फिल्में देख सकेंगे। हालांकि इन सब चीज़ों को अंजाम देने के लिए हमारे वीआर बॉक्स का होना ज़रूरी होगा। जैसा कि मेटावर्स आने के बाद स्कूलों की दुनिया बदल जाएगी। माना जा रहा है कि मेटावर्स के आने के बाद एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह बदल जाएगा। बच्चे बस AR या VR बॉक्स अपनी आंखों पर लगाकर स्कूल का पूरा अनुभव पा सकेंगे और भविष्य के इस बदलाव को देखकर स्कूलों को भी बदलना होगा। और आज कई बड़े OTT प्लेटफॉर्म, न्यूज एजेंसियां, कपड़ों के बड़े ब्रांड आदि अपनी सर्विस को मेटावर्स पर लाने की पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। कौन मारेगा मेटावर्स की टेक्नोलॉजी को दुनिया में पहले लाने का बाजी? जैसा कि मेटावर्स की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट बाजी मार सकती है, क्योंकि कंपनी ने इस दिशा में काफ़ी काम किया है। फेसबुक ने भी मेटावर्स की दुनिया में कदम रख दिया है। कंपनी बड़े पैमाने में इसमें निवेश कर रही है और इसमें चीन की कई टेक कंपनियों ने भी काफ़ी प्रगति की है, इनका पेटेंट भी कराया है। जैसा कि दोस्तों मेटावर्स एक नई टेक्नोलॉजी होने वाली है, देखते हैं ये क्या चेंजेस लाती है दुनिया में। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।